गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 800 सब्सक्राइबर तक हम पहुंच चुके हैं। दैट इज़ थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे इस मिशन से जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमें सहयोग करते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमें, तो यदि आपको वैल्यूबल लगे कि लगे हाँ बेनिफिशियल है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करें और हमारे मिशन से जुड़ें। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो आज का पेपर हुआ है, उसके ऑथेंटिकेट आंसर की क्या हो सकती है, उसके कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने के 100% पॉसिबिलिटी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द में का सही संधि विच्छेद होगा तो अंतः प्लस नीत। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अंतः प्लस नीत। हाँ, अगर ये संस्कृत में पूछा जाता है तो इसका होता अंतर और रैक नीचे हलंत प्लस नीत, लेकिन हिंदी का है तो अंतः प्लस नीत। दैत्यारी संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या होगा? दैत्यारी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वेरी इजी क्वेश्चन, सम उपसर्ग है, सम प्लस तोष, सम के नीचे हलंत है, तोष इसमें मूल धातु है। निम्नलिखित से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आतप में प्रत्यय नहीं उपसर्ग है, आ प्रबंध में भी उपसर्ग है, विदेश में भी उपसर्ग है, भी मोसेरा शब्द बच गया, तो इसके अंदर मूल धातु इंपॉर्टेंट है, मोसा मूल धातु है और इसके अंदर एरा प्रत्यय है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एर मोसेरा ममेरा चचेरा इस तरह। लाजवाब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अव्यभावी समास, सॉरी अव्य कौन सा समास है? अव्यभावी समास है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो ये समास होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। पशु पांशु पणस का क्रम से सही अर्थ है, पशु मतलब होता है जानवर, पांशु मतलब होता है रेत या रज यानी कि रात्रि, और पण मतलब होता है मूल्य। तो सी आंसर इसके अंदर करेक्ट, पण मतलब मूल्य, पांशु मतलब रेत और पशु मतलब जानवर। अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसके अंदर सागर रत्नाकर बिल्कुल सागर का पर्यायवाची है, अम्बुदी भी सागर का पर्यायवाची है, वारिस सागर का पर्यायवाची नहीं है, और निर्जर भी सागर का पर्यायवाची नहीं है। निर्झर जरूर होता है जिसका अर्थ होता है झरना, और निर्जर मतलब वर्द, तो ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन में भी डिलीट होगा। अगला जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है हिंदी वाले सेक्शन के अंदर, कि निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। तो रेखांकित शब्द संपन्न व्यक्ति की, तो संपन्न का क्या होगा? विपन्न, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जानता, विलोम शब्द वाला क्वेश्चन है, संपन्न का विपन्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास, उच्छ्वास में उच्छ्वास गलत है, इसके नीचे छः के नीचे अलंत लगता है, छत्र छाया भी गलत है, महात्मा गण भी गलत है, और इसके अंदर निहारिका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, निहारिका इज करेक्ट शब्द, महात्मा गण भी गलत है, छत्रछाया गलत है, उच्छ्वास भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, ये क्वेश्चन भी एक डिस्प्यूटेड है, इसके अंदर सौजन्यता जो शब्द है ये सौजन्यता अशुद्ध है, शब्द संबंधी अशुद्ध इसके अंदर है, सौजन्य होता है न कि सौजन्यता, सौजन्य होता है न कि सौजन्यता, तो इसलिए इसके अंदर ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। क्रिया संबंधी अशुद्धि जहाँ तक है इसका आंसर अगर मानेगा बोर्ड, तो क्रिया संबंधी अशुद्धि इसके अंदर हो सकती है। अगला जो है, सब लोगों से संबंध रखने वाला, तो दैट इज़ वेरी इजी, वन वर्ड का क्वेश्चन है, शब्द तो इसके अंदर सर्वकालिक शब्द, सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक, सार्वजनिक बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द क्या होगा? डेपुटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति, तो ये भी वेरी इजी। हाँ, ये मुहावरे वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इसके अंदर पहुँचा गया कि बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए कौन सा मुहावरा सही है? तो संस्कृत पढ़ना, लोहे के चने चबाना है कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल सही, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य करना। प्रताप ने जो ही लगाम लगाई चेतक हवा से बातें करने लगा, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वह तो मेरी मुट्ठी में, उससे तो जो चाहो काम करो, मुट्ठी में मतलब वश में है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है, ये थोड़ा सा इसके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है, लोहा लेना मतलब कि सामना करना, ठीक है, और लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य करना, लोहा मतलब सामना करना या प्रतिरोध करना, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। बैल का बैल गया नौ हाथ का पगा भी गया, बैल का बैल गया नौ हाथ का पगा भी गया,
तो ये लोकाक्ति का क्वेश्चन है, बैल का बैल गया, नौ हाथ का पकड़ गया, तो दैट इज़ वेरी इजी, क्योंकि ऑप्शन से पकड़ मारा बहुत बड़ा घाटा होना, तो ये याद रखने योग्य व्यक्ति कि बैल का बैल गया, नौ हाथ का पकड़ भी गया, बहुत बड़ा घाटा होना, तो सी ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये जीके का क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ये हिंदी के थे, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, एक दो क्वेश्चन रिलेट होने की पॉसिबिलिटी इसमें है। जीके क्वेश्चन बहुत ईजी है, पहला क्वेश्चन है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो ब्लू पोट्री से, ब्लू पोट्री से है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने का में किसका योगदान सर्वाधिक रहा, तो वीर दुर्गादास राठौड़, दैट इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इजी कि इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी हवा से होती है, सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिलीट होने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर है, क्योंकि इसमें जैसलमेर बीकानेर दोनों ही ऑप्शन, दोनों जगह पर इसका आयोजन होता है, तो डी भी सही है सी भी सही है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, 101% डिलीट होगा। रम्मत का आयोजन, रम्मत का आयोजन वैसे बीकानेर में इसका हुआ था ओरिजिन, लेकिन जैसलमेर में भी होता है। हाँ, अगर वैसे ऑप्शन देखो तो डी ऑप्शन मोर करेक्ट में देखो तो डी ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर ही रम्मत के शुरुआत हुई थी या उत्पत्ति हुई थी। अगला जो क्वेश्चन, राजस्थान में कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो बिजोलिया किसान आंदोलन इज वेरी गुड, 1897 से लेकर के 1941 तक ये आंदोलन चला था, विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास ये से जुड़े हुए थे, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन, राजस्थान में की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन, इसके अंतर्गत जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने इसका प्रयोग किया था अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका प्रयोग किया था राजस्थान भाषा के लिए राजस्थानी का शब्द। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में है, पिछले एग्जाम जो रिसेंटली हुआ था संस्कृत का RPSC को, उसके अंदर भी ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड का संस्कृत निदेशालय को, यहाँ भी ये पूछा गया। हमने बताया राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन RSDDF, अगर ये पूछता है तो ये सबसे पहले बने जो ऑपरेशन फ्लड चला था वर्गीज कुरियन के निर्देशन में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उस टाइम सरकार ने बनाया था राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन 1975 में, उसके बाद इसको बदल के कर दिया राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, तो RCDF की स्थापना हुई थी 1977 में। तो ये दो कई बार 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 पूछते हैं, राजस्थान के कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कब, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर 1977 में, और राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन कब, 1975 में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, संत गुणसागर व नाममाला, संत गुणसागर व नाममाला, तो ये दादूदयाल जी की रचना है, संत गुणसागर व नाममाला किसकी रचना है, दादूदयाल जी की। नदियों के ओरिजिन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसके अंदर वेरी इजी कि जो सोम नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, बिछमेड़ा की पहाड़ियों से होता है, तो सी के अंदर 4 या मैच कर रहा है। इसके अलावा लूणी नदी का नाग पहाड़ी से, तो ए के अंदर 3, माई नदी विंध्याचल MP से, तो डी के अंदर 2, और बच गया कौन से, बेड़च नदी, तो वो कहाँ से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, तो बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। एकलिंग महात्म किस भाषा का ग्रंथ है, तो एकलिंग महात्म संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, कई जो आंसर की हैं उसमें मेवाड़ी दिया गया, लेकिन मेवाड़ी इधर गर्ल, एकलिंग महात्म जो कान्नरदेन लिखा था, कान्नवास ने लिखा था, संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है, मेवाड़ के गोयलों का इसके अंदर इतिहास है, तो बी ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा इसमें बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं हैं, तो बीजा व माला सांसी जनजाति की ये शाखाएं हैं, जो भरतपुर के अंदर ये पाई जाती है, सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है, सांसी जनजाति, तो सांसी जनजाति बीजा व माला राजस्थान की, और सांसी जनजाति के अंतर्गत ये गुमंतक जाति है, ज़्यादातर शिकार करना और ये मांस खाना और दारू पीना इसका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो बीजा माला इसकी शाखा। अगला जो जग मंदिर और जग निवास किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कहाँ पर हैं, तो पिछोला जिले, दैट इज़ वेरी इजी। चूंप नामक आभूषण किस से संबंधित, तो दांत के अंदर पहना जाता है, ये ऑप्शन इधर करेक्ट। गमेती निम्नलिखित किस जनजाति के लोगों, तो भील, गमेती क्या होता है कि भीलों का जो छोटा सा परिवारों का जो समूह होता है वो तो होता है फला, और फला जब बहुत सारे फला मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं पाल, और उस पाल का जो मुखिया होता है, पाल का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं गमेती, क्या बोलते हैं गमेती, तो गमेती किसके, भील जनजाति के लिए। और जो फलाँ का मुखिया होता है, छोटे छोटे परिवारों के समूह का मुखिया होता है, ये एक ही गोत्र के परिवारों के समूह, तो उसको बोलते हैं द्वती।
कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास स्थान था? कटारगढ़ कुमलगढ़ का निवास स्थान है, जो इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था 1453 में अपनी पत्नी की याद में। तो कुमलगढ़ का जो ऊपरी भाग है कटारगढ़ कहलाता है, जिसको मेवाड़ की आँख भी कहते हैं, और यहीं पर कुंभा की हत्या कर दी थी उसके पुत्र उद्दा ने। ठीक है, तो पितृअन्ता युद्ध है तो कुंभलगढ़ के अंतर्गत कटारगढ़। अगला जो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो काजरी जोधपुर के अंदर है, CAZRI। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इजी गोइंग ये हो जाता है सोल्व, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, काजरी। अगला जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर क्या है, राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कबीर यात्रा जो है ये गायन क्षेत्र से संबंधित है, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी कबीर यात्रा की? 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। लोकयान जो संस्थान है लोकयान, वो इसका आयोजन कराता है, राजस्थान पुलिस और राजस्थान पर्यटन विभाग इसका सपोर्ट करते हैं। 2012 में इसका आयोजन किया गया था, 2012 के बाद में 2016 17 और 18 में इसका आयोजन हुआ। ये गायन शैली के है और ये 6 दिन तक ये महोत्सव चला था, अक्टूबर के महीने में ये चला था, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र, इस तरह से इस क्षेत्र में गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो एक राजस्थान कबीर यात्रा किस संबंधित है? गायन शैली से संबंधित ये है, और लोकायन संस्थान, राजस्थान पुलिस और पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन कराया था। निम्नलिखित से असंगत युगम को छांटिए, तो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रीष्म महोत्सव बिल्कुल माउंट आबू में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ के अंदर, या ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा भी गया पेपर के अंदर कि चंद्रभागा मेला कहाँ, दैट इज हाथी महोत्सव बिल्कुल जयपुर के अंदर, तो ऊँट महोत्सव है जैसलमेर के अंदर आयोजित नहीं होते, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जो राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर उड़न गैलरी पाई जाती है? तो वेरी इजी, सीता माता वन्य जीवन अभियान के अंदर उड़न गैलरी के लिए फेमस है। राजस्थान में लांगुरियों को गीत किसे कहला देवी? दैट इज वेरी ऑल्सो वेरी इजी ऑप्शन। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में हसन खां मेवाती ने 15वीं सदी में बनवाया था बाला किला, अलवर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चंद्रभागा मेला तो झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है, चंद्रभागा मेला बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इसके अंदर क्या है करेक्ट ऑप्शन। और राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 40 क्वेश्चनों के आंसर हमने बिल्कुल ऑथेंटिकेट वे से काफ़ी बनाए, और ये 101% इनके आंसर सही है। अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, और आप हमारे इस मिशन से जुड़ सकते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन पुट इट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स।